सही वही सब मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू द ब्रांड वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो आप सभी लोग को बताओ कि आप सभी लोग ये अमेजिंग सा पबजी मोबाइल माउंटेड थंबनेल कैसे बना सकते हैं इन योर एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ PACC इन अ फ्यू क्लिक्स बन जाता है, बहुत ईजी है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेरा बैकग्राउंड करना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी सभी देख सकते होंगे या फिर सभी जानते होंगे कि COVID-19 कितना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं इंडिया में। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग कोशिश करो कि घर में रहो, ज़्यादा बाहर ना निकलो। अगर कुछ काम ज़्यादा नहीं है तो अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क पहनो, ठीक है, काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो, सब चीज़ लाइक करो, बिकॉज लाइक मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हेल्दी रहो, सारे के सारे लोग, ठीक है। तो या ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा बोरिंग बात कर दी, ठीक है, Let's get into the video. So, सबसे पहले आपको अपनी जो भी इमेज आपको चाहिए वो आपको इमेज ले लेनी है, ठीक है। PACC में आने के बाद लाइक जैसे कि मेरे को इमेज चाहिए तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये लाइक लग चुके कम्प्लीटली। आप क्या करेंगे, अब तुमको अपनी इमेज में देखना है कि आप स्काई हटा सकते हो या फिर कुछ भी चीज़ हटा सकते हो, हमको वो हटाना है, ठीक है। जैसे कि मेरा पीछे स्काई है तो मैं स्काई को रिप्लेस करूँगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाके ये टूल लेना पड़ेगा, पॉलीगन टूल, एंड यहाँ पर जाके शो पॉइंटर में जाके आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा एंड कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा बट अगर आप लोग एकदम परफेक्टली कर लोगे तो आपका थंबनेल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो फटाफट से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जितनी भी चीज़ है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पर जाना है एंड क्लियर वाले ऑप्शन पर दबाना है एंड क्लियर हो जाएगा आपका स्काई। उसके बाद आपको मेरे पैक में ये इमेज मिलेगी, तुमको उसे इंपोर्ट करना है एंड अपने हिसाब से लाइक कहीं पे भी लगा सकते हो उसको जैसा चाहो। लाइक मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया, ठीक है, एकदम सही लग रहा है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, UI लेयर पर जाएंगे ऊपर वाली पे और दोबारा से पॉलीगन टूल और शो पॉइंटर हम सिलेक्ट करेंगे और इस बार जो हमारा कैरेक्टर होगा उसका हम इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है। ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है तो उसको आराम से करना, फटाफट से मैं पूरा कैरेक्टर जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद प्लस वाला आइकन पे दबाऊंगा, लेयर फॉर्म सिलेक्शन पे दबाऊंगा, मेरे पास की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास के अलग से एक लेयर निकल के आ चुकी है। उसके बाद क्या करूँगा, जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड उसके सिलेक्ट पिक्सल्स करूँगा एंड उसे फिल कर दूंगा विद अ ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करूँगा एंड जो उसकी ओपेसिटी वो थोड़ा कम कर दूंगा। आप देख सकते हो जो मैं ओपेसिटी देख रहा हूँ वो सेम ओपेसिटी आप रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको आना है स्काई पे एंड स्काई पे यहाँ पे आना है, थ्री डॉट पे दबाना है, ठीक है। और यहाँ पे कलर एंड ब्राइटनेस को थोड़ा बहुत छेड़ना है यहाँ पे, जैसे मैंने कलर एंड ब्राइटनेस पे रखा है आप सेम जो है कलर एंड ब्राइटनेस रखना वही, ठीक है। और आप लोग अपने जो अपने बैकग्राउंड लिया उसके हिसाब से लाइक सेट कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको अपने अडोबी लाइट रूम में आना है, अपनी जो फोटो थी आपने एक्सपोर्ट करी उसे इंपोर्ट करनी है एंड आपको मैं प्रीसेट दे दूंगा यहाँ पे जो कलर ग्रेडिंग का, आपको सिंपल उसे पेस्ट करना है जो नीचे वाला है, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट कर देना है और विदाउट वाटर मार्क के, ठीक है, ये आपकी गैलरी में जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे PACC में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको जो PNG था नीचे उसको सिलेक्ट पिक्सल्स करना है एंड ऊपर वाले लेयर पे जाना है, इसे लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देना है। तो इससे आपके पास कैरेक्टर का PNG जो है वो रेडी हो जाएगा, आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो बाकी के नीचे जितनी भी लेयर रहेंगी उसको डिलीट कर देंगे बिकॉज वो यूज़लेस है सारी की सारी, ठीक है, उनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से ब्रश टूल मारेंगे यहाँ पे और इसे लिनियर डॉज कर देंगे, FX में जाएंगे, इसे गॉशन लर दे देंगे,
ठीक है, एक से दो बारी से गौशलवर देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कितना ग्लो चाहिए। ठीक है, मैंने 3 बारी गौशलवर दिया है, मेरे हिसाब से 3 बारी गौशलवर सफिशियंट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद तुम्हें मेरे पैक में जाना है, मेरे पैक में तुमको ये लाइटनिंग मिलेगी रेड वाली, तुमको उसको लेना है एंड इसको लीनर डॉच कर देना है। ठीक है, गलती से मैं लाइटनिंग कर दिया, लीनर डॉच कर देना है। तो कुछ इस टाइप से ये दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मेरे हिसाब से अभी ये। ठीक है, तो इतना करने के बाद अभी जो थोड़ा कैरेक्टर पर ग्लो है वो मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, तो क्या करूँगा, जो ग्लो वाली लेयर थी मैं उस पर जाऊँगा एंड उसको डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद एफएक्स में जाके इसे गौशन में थोड़ा सा और दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि जो हमारा ये है, मतलब कैरेक्टर है, थोड़ा सा और चमक जाए और काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है, मेरे को अब सही लग रहा है ये। उसके बाद तो मैंने पैक में जाना है, तुमको स्मोक मिलेंगे और इसको लीनर डॉच कर देना है। ठीक है, लीनर डॉच करने के बाद आप देख सकते हो फ़र्क, तो यहाँ पर स्मोक जो है हमारे आ चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब बारी है तुम्हारी टेक्स्ट ऐड करने की, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो मैं फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे पैक में आपको फॉन्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसे आपको पिक्सेल ऐप में से इंपोर्ट करना है। तो एक तो मेरा फॉन्ट ये रहा, इसको बड़ा कर लेते हैं अपन एंड यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो और दूसरा फॉन्ट भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, दूसरा फॉन्ट ये रहा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे अपन छोटा करके प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन चुका। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर में जाएंगे, इसको सेलेक्ट पिक्सल करेंगे एंड इसे ग्रेडियंट दे देंगे, जो कि मैंने दे रखा है ये सेम ग्रेडियंट आपको देना है। ठीक है, आप जो स्क्रीनशॉट खींच के लाइक सिलेक्शन टूल जो होता है, कलर सिलेक्शन टूल, उसकी मदद से आप सेम ग्रेडियंट जो है वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मेरे पैक में ये लाइट मिलेगी, इसको तुमको लीनर डॉच करना है एंड इसे अपने जो लाइक टेक्स्ट होगा जो कि फॉन्ट है इसके ऊपर तुमको प्लेस करना है इसे छोटा करके। तो मैंने इसको छोटा कर दिया एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड इसे इस तरीके से आपको अपने जो फॉन्ट है इन पे प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं फटाफट से सारे जो फॉन्ट है उस पर प्लेस कर देता हूँ ये। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सिग्नेचर फॉन्ट भी लगाएंगे। ठीक है, तो मैं सिग्नेचर फॉन्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे पैक में मिल जाएगी। तो पिक्सेल ऐप को ढूंढते हैं, पिक्सेल ऐप कहाँ गया, फोल्डर ये रहा और इसमें हमारा सिग्नेचर फॉन्ट है ये रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऑन पे लगाते हैं, फिर एंड्रॉयड को हम लाइक इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट, सही है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं मतलब टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड अलग से जो है वो मतलब दिख रहा है। ठीक है, तो और एक और चीज़ करेंगे अपन, क्या करेंगे, जो हमारा लाइक टेक्स्ट है उसके सेलेक्ट पिक्सल्स करेंगे एक बारी एंड जो हमारा सिग्नेचर फॉन्ट है वहाँ पर जाके कुछ इस टाइप से क्लियर कर देंगे ये चीज़, जिससे कि लाइक ऐसा है कि ओ जो है वो मतलब इसमें से निकल रहा है और एक अच्छा सा एक फीलिंग आए और एक मतलब अच्छा से एक लगे। ठीक है, इफेक्ट है जो भी है वॉट एवर। ठीक है, हमको बस अच्छा दिखाना है। ठीक है, इतने करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी क्या करेंगे अपने टेक्स्ट के साथ, अभी जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उन सबको हम मर्ज कर देंगे, हमारे जो तीनों टेक्स्ट है, सिग्नेचर फॉन्ट और जो दो बड़े फॉन्ट हैं इन सब लेयर को हम मर्ज डाउन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एस वाले पे सेक्शन पे जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको हल्का सा टिल्ट कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा टिल्ट। ठीक है, तो परफेक्ट, और हल्का सा बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, बहुत सही लग रहा है ये। ठीक है, इसके बाद और हम इन सबको जो हमारी लाइटनिंग है इन सबको भी मर्ज कर देंगे एंड इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको अब हमारा जो टेक्स्ट है इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है बट हो जाएगा, तो फटाफट से मैं एडजस्ट कर देता हूँ एंड एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ी सी हम ड्रॉप शेडो भी दे देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद तुम्हें मेरे पैक में ये मिलेगी। ठीक है, ये वाली इमेज तुमको उसको लेना है एंड इसको
ओवरले कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देना, जिसे मैं रख रहा हूँ एकदम सेम। आपको सेटिंग देखनी है अपनी ओपेसिटी, ठीक है, एंड इसको टेक्स्ट वगैरह के नीचे आपको उसे प्लेस कर देना है यहाँ पे। एंड नाउ यू कैन सी जो हमारा थंबनेल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, परफेक्ट। अब आपका पूरा का पूरा थंबनेल है जो है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले लेयर पे आना है, एफएक्स में जाना है एंड इसको एक बार डायगोनल ब्लर दे देना है, हल्का सा ज़्यादा नहीं, इसका जो साइज़ है वो 10% रखना, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर देना अपनी गैलरी में, ठीक है। देन उसके बाद कलर ग्रेडिंग के बाद ये कुछ इस टाइप से लगेगा, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। और या यही था जल्दी वीडियो, वो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी कलर ग्रेडिंग मैंने यूज़ करी है सबकी प्रीसेट जो है मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना, बहुत इजी है। सो या सी यू नेक्स्ट देन, आई एम ड्रॉइंग साइनिंग आउट।